गवाई बिन पढ़े, उम्र गवाई बिन पढ़े, समझ न आई बात, समझ न आई बात, जब समझो तब ही भला, जब समझो तब ही भला, जागो तभी प्रभात, जागो तभी प्रभात, जागो तभी प्रभात, जागो तभी प्रभात। कल्लू, देख वो सामने देख। हाँ क्या है? अरे वो देख, वो हाथ में झोला लिए आ रही है। पर ठीक है, देखा है कौन? अरे नई ग्राम सेविका है, हमारी दीवानगढ़ी में काम करने आई है। हमारी दीवानगढ़ी में? शायद इसे मालूम नहीं, इससे पहले भी दो ग्राम सेविकाएं आकर यहाँ से जा चुकी हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ। मैं इसको जाके कह देता हूँ कि बहन जी हमारे यहाँ से चली जाइए, इसी में आपकी भलाई है। ए, तू ना सिर्फ मोटा है बल्कि तेरी अकल भी मोटी है। अरे इसीलिए तो कहता हूँ दाल भात जरा कम खाया कर। तो फिर क्या करना है? करना क्या है, पहले जाकर चौधरी फतेह सिंह को खबर करते हैं, और क्या करना है। ठीक है तो चल चल। माल भिजवा दिया था? हाँ मालिक, वो तो मैंने तड़के भिजवा दी थी 50 बोरी, और किसी को कानों कान खबर भी नहीं है। राम राम मालिक। अच्छा चुप बैठ, आओ बघेलू आओ बैठो, कहो कैसे आए? आज मेरा बेटा जिंदा होता तो मुझे एक दिन क्यों देखना पड़ा, मगर भगवान ने उसे भरी जवानी में उठा दिया। अरे फतेह सिंह के होते हुए तू क्या फिक्र करता है? मालिक के होते हुए चिंता किस बात की? यही आस लेकर आया हूँ मालिक, मेरे बेटे ने बचपन से आपकी सेवा की है, और उसकी छोटी बहन की शादी करनी है मालिक, मेरे ऊपर यही एक जिम्मेदारी रहती। अरे वो भी पूरी हो जाएगी, अब वो तुम्हारे बेटे की बहू क्या करती है आजकल? बस मालिक, वो मेहनत मजदूरी कर लेती है। अरे इतनी बड़ी हवेली छोड़कर इधर उधर काम करती? नाना नाना भगेलू, मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता, उसे कहना कल से यहाँ आकर काम करे, समझा? मालिक एक बात को एक बार कहते हैं, बार बार नहीं, कल से बहू को हवेली में भेज देना। जो हुकुम मालिक, फिर मैं चलूं। अरे हाँ वो तुझे 500 रुपए चाहिए थे ना, शाम को आकर मुंशी से ले जाना, और बहू से कहना मुंशी की किताब में आकर अंगूठा लगा जाए। अच्छा चलो मालिक। हाँ जाओ। वाह मालिक, जवाब नहीं आपका भी, 500 रुपए में खिचेड़ू की बहू को भी बंधक बना लिया। बेचारा खिचेड़ू, बचपन से एड़ियां रगड़ते रगड़ते भरी जवानी में आते आते तह बोल गया। वाह मालिक वाह, आपका भी जवाब नहीं। अब चुप, जो मन में आया बोल देता है। चल भाई शंकर, मालिक को जरा काम की बात भी बता दे। हाँ मालिक, एक नई बहन जी गांव में आई है, शांता बहन। अरे ये तो मुझे कल ही पता लग गया था। क्यों रे शंकर, तू तो अपने आप को बड़ा होशियार समझता था। अरे कोई फिक्र की बात नहीं, पहले वाली ग्राम सेविकाओं जैसी ही तो होगी। अरे और क्या मालिक, ये भी कहेगी बच्चों को टीके लगवाओ, उनको स्कूल पढ़ने के लिए भेजो, अरे और तो बूढ़ों को पढ़ने के लिए कहो, और क्या। अरे शंकर और कल्लू तुम समझते नहीं, वो अपना काम करेगी और हम अपना काम करेंगे। हम तो अपना काम करेंगे ही मालिक, फिर वो अपना काम कैसे करेगी? मालिक ऐसा चक्कर चलाएंगे कि वो खुद ही अपना बिस्तर गोल करके भाग लेगी। लेकिन मैं अपना बिस्तर गोल करके जाने वाली नहीं। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं शांता, आओ। मास्टर जी, मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि ठाकुर फतेह सिंह से डर के गांव के लोग अपने अपने बच्चों को पाठशाला में नहीं भेजते। लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं?
और वो ओझा परसराम, उसके डर से गांव के लोग प्राथमिक चिकित्सा केंद्र तक नहीं जाते। ये सच है शांता बहन, और यहाँ का साहूकार छगन लाल ने सबकी जायदाद तिजोरी में बंद कर रखी है, ये भी सच है। आओ, अंदर चलते हैं। चलिए मास्टर जी। आओ गोपाल बैठो। सालों साल से लोग फतेह सिंह के यहाँ बंधक हैं, मजदूरी करते हैं, और उन्हें बदले में मिलता क्या है, सिर्फ मुट्ठी भर चावल। ये सब इसलिए होता है कि गांव में साक्षरता नहीं है, लोगों को उनके हक मालूम नहीं है, उनका नए जमाने से परिचय नहीं हुआ है। और जो लोग इस गांव का उद्धार करना चाहते हैं, उनके पीछे ये लोग इस तरह की परेशानियां पैदा कर देते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाती है। अब तुमसे पहले लक्ष्मी बहन आई थी, लक्ष्मी बहन से पहले कौशल्या बहन आई थी। आपसे सच कहता हूँ शांता बहन, कि इन लोगों ने उसके काम में इतनी अड़चने डाली कि बेचारी थक हार कर वापस चली गई। लेकिन मैं दीवानगढ़ी के लोगों को शोषण मुक्त बनाकर ही रहूंगी, और इसके लिए लोगों को साक्षर करना बहुत जरूरी होगा। वो सब तो ठीक है शांता बहन, लेकिन यहाँ के लोग तुम्हारा साथ देंगे तब ना। साथ जरूर देंगे। मैं यहाँ के गांव के लोगों को मिलना चाहती हूँ, उनके दुख दर्द जानकर उनका विश्वास पाना चाहती हूँ। तुम्हारे इस मिशन में हम लोग तुम्हारे साथ हैं शांता, तुम फिक्र मत करो। धन्यवाद मास्टर जी। अच्छा मैं जल्दी हूँ, नमस्ते। लगता है इस गांव में जरूर बदलाव आएगा। छगनलाल सेठ। अरे आओ शांता बहन, क्या चाहिए? ये कुछ सामान चाहिए था, ये चावल, चीनी, आटा, नमक। अरे छोटू, ये सामान बांध कर ला। अरे सुखिया, क्या बात है, कुछ परेशान दिखती हो। क्या बताऊं लाला, बहू को कितना मना किया था कि लखनपुर की लीला देखने मत जा, मानी नहीं, जिद करके पड़ोसनों के साथ चली गई। अब लौटी है, तब से बरगद वाले भूत ने दबोच रखा है उसे। अरे राम 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 राम, उसे उस रास्ते से लौटने की जरूरत ही क्या थी भाई। सब जानते हैं कि बरगद वाला भूत एक बार किसी को चिपट जाए तो या तो उसको साथ ही ले जाता है, और या फिर उससे पीछा छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब क्या कहें लाला, मुसीबत आई है तो निपटना तो पड़ेगा ही ना। चलो अब ये बताओ कि तुम्हें सामान क्या चाहिए? अरे चाहिए तो कुछ भी नहीं लाला, ओझा को दिखाया था, पूजा के लिए 100 रुपए की कह रहा है। 100 रुपए? देखो सुखिया, मैं तुम्हें अब और उधार तो दे नहीं सकता। अब तुम ही देखो ना, पिछली रकम में से तुमने कुछ नहीं लौटाया, और फिर मेरे पास इस वक्त इतनी गुंजाइश तो है नहीं। अरे लाला, गुंजाइश निकालोगे तो निकलेगी ना, और फिर मेरे तो सारे गहने, खेत, और यहाँ तक कि घर भी तुम्हारे ही पास तो गिरवी रखा है। और अब और क्या दूं मैं तुम्हें रखने को? बस यही कहकर तुम मुझे चुप करा देती, क्या करूं, मेरा दिल ही ऐसा है, किसी का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। अरे छोटो, अरे जल्दी से सामान लेके आ, बहन जी बाहर खड़ी है। हाँ, गरीबी ने इन लोगों की कमर तोड़ रखी। तुम जैसे साहूकार होंगे तो ये बेचारे तो गरीब के गरीब ही रहेंगे ना। ले सुखिया, लगा दे अंगूठा, ये ले साहिब। अरे सेठ, ये क्या, इसने तो सिर्फ 100 रुपए मांगे हैं और तुम 500 रुपए की रसीद पर अंगूठा लगवा रहे हो। अरे तुम नहीं समझोगी, ये हमारा लेन देन का मामला है। वाह सेठ वाह, तुम इस गरीब बूढ़ी औरत की आंखों में धूल झोंक रहे हो और कहते हो कि ये तुम्हारा आपसे लेन देन का मामला है। अरे सुखिया, तू लगाना अंगूठा। सुखिया मत लगाना तुम। अरे बहन, तुम इस गांव में अभी नई नई आई हो, तुम्हें नहीं मालूम वो बरगद वाला भूत कैसा है। अरे क्यों सुखिया की बहू की जान के पीछे पड़ी हो, उसे पैसा लेने दे और जाने दो। उसको 100 रुपए के बजाय 500 रुपए की रसीद पर अंगूठा लगवा दू, है ना। अरे उसका हिसाब किताब मैं समझा देता हूँ। देखो ये देखो सुखिया का खाता, ये देखो जो पिछली रकम ली है उसने अभी तक वही नहीं चुका पाई, और जो 100 रुपया अब ले रही है मुझसे
वो ब्याज समेत सारा 500 रुपए हो जाएगा, समझी? अब इसमें तुम्हें क्या तकलीफ है? वाह सेठ वाह, तुम बातें बहुत अच्छी बना लेते हो सेठ। तुम इस गरीब औरत को लूट रहे हो क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन जो कुछ तुमने इस बही खाते में लिखा है वो सब मैंने पढ़ लिया है। देखो बहन, बुरा ना मानना, मेरे और सुखिया के बीच बोलने वाली तुम कौन होती हो? अरे लाला, पहले मुझे रुपए दे दो तो मैं जाऊं, मुझे अपनी बहू की ज्यादा फिक्र है भाई। जाओ बहन जाओ, मैं तुमसे और उलझना नहीं चाहता हूँ। लो तुम्हारा सामान, 120 रुपए का है। लो सुखिया। हाँ। और ये अंगूठा लगा दो। लो। या? अच्छा, राम राम लाला। राम राम। वो तो छगन मल ने बड़ी चतुराई से उसकी बात टाल दी मालिक, वरना अगर बखेड़ा खड़ा हो जाता तो उसकी मुश्किल हो जाती। मुश्किल हो जाती, मुश्किल हो जाती, लेकिन किसकी मुश्किल हो जाती? मालिक, छगन मल की और किसकी? तुम शांता भाई को मुश्किल में डाल दो। अब ये तो जरा मुश्किल काम है मालिक। दरअसल वो बाद में सुखिया की बहू को देखने उसके घर गई थी। वहां उसने जब आसपास के लोगों को जब लाला छगन की बात बताई तो उन लोगों को उसकी बात पर भरोसा हो गया। तो लोग अब उसकी बात को भी मानने लगे। इतनी जल्दी उसका जादू चढ़ गया। वैसे मालिक, मैं भी उस वक्त सुखिया के घर के सामने ही था। एक बात बताओ मालिक, शांता बहन की आवाज में जादू है, लोगों को उनकी बात एक मिनट में समझ आ जाती है। और मालिक, मैंने देखा। सुखिया बहन, मैं तुम्हारे हित की बात ही तो कर रही थी। सेठ छगनलाल ने अपने खाते में हेरा फेरी करके तुम्हारे खेत, तुम्हारी जमीनें, तुम्हारे गहने सब हड़प कर लिए। हम भी क्या करें बहन, रुपया उधार लेना तो हमारी मजबूरी होती है और सेठ इसी मजबूरी का फायदा उठाता है। नहीं बहन, सेठ मजबूरी का फायदा नहीं उठाता, सेठ तुम्हारे निरक्षर होने का फायदा उठा रहा है। वो जो कुछ भी अपने बही खाते में लिखता है उसे तुम सभी लोग आंखें बंद करके मान लेते हो। उसे अच्छी तरह से पता है कि तुम में से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, कोई हिसाब तक नहीं कर सकता कि ब्याज कितना बना है। एकदम सही बात की है बहन तुमने। अरे तो बुढ़ापे में पढ़ेंगे क्या हम? भैया, हमारे घर खानदान में कोई पढ़ा लिखा नहीं, काम तो सबका चल ही गया ना, पढ़ेंगे। सुखिया, काम चला नहीं, मजबूरी में गरीबी से संतोष करना पड़ा। पहले अगर पढ़ा होता तो आज ये हालत ही नहीं होती। बिल्कुल ठीक कहा शांता बहन, सच तो ये है कि आज से पहले हमें किसी ने इतनी बातें नहीं समझाई। सुखिया, समझ तो सही बहन जी क्या समझा रही हैं। अरे भैया, अब इस उम्र में समझ के मैं क्या करूँगी। बहन, इन लोगों की हालत बिल्कुल बंजर जमीन जैसी है, ये कुछ समझने वाले नहीं है। सुखिया, निराश होने से कुछ नहीं बनेगा। कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, लेकिन पहले जागो तो सही। तुम अपनी बहू को ही ले लो, दरअसल उसे मलेरिया का बुखार है और तुम ये समझ रही हो कि तुम्हारी बहू पर भूत प्रेत का साया है। देखो सुखिया, समझने की कोशिश करो। उस ओझा के चक्कर में आकर 100 रुपए के लिए तुमने 500 रुपए की रसीद पर अपना अंगूठा लगा दिया और उसके बाद कर्ज का बोझ भी अपने ऊपर चढ़ा लिया। अरे बहन, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। मेरा 6 महीने का पोता था, वो बरगद वाला भूत ले गया और अब मेरी बहू को दबा रखा है उसने। अरे सुखिया बहन, तुम्हारे पोते को उस बरगद वाले भूत ने नहीं उठाया है, तुम ऐसे ही झूठे विश्वास कर रही हो। दरअसल
बच्चों को 6 तरह की घातक बीमारियों से बचाव के टीके न दिलवाने का यही नतीजा होता है। और जो ओझा ने बताया वो बिल्कुल झूठ बोलता है। आप सभी लोगों को डराकर अपनी दुकान चलाता है बस। बहन जरा धीरे बोलो, ओझा बहुत खतरनाक आदमी है। मैं नहीं डरती ऐसे ढोंगियों से। मुझे इसी बात का अफसोस है कि आप सभी लोग अंधविश्वास के गहरे अंधकार में फंसे हुए हैं। आप में से कोई भी एक साक्षर नहीं है। बहन तुम बरगद वाले भूत को जानती नहीं हो। तो ठीक है, आज रात को उस बरगद वाले भूत से भी मुलाकात कर लेंगे। उसके बाद तो तुम सबको विश्वास आ जाएगा ना कि वो भूत है या नहीं है। अच्छा बताओ कौन कौन चल रहा है मेरे साथ? सुनो इसकी बात। अच्छा ठीक है, आज रात को मैं अकेले ही जाऊंगी। हाय बहन, तुम सचमुच जाओगी? हाँ, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम सब लोग वादा करो कि कल से मेरे हर काम में मेरी मदद करोगे। तो इसका मतलब उसने ओझा को खुली चुनौती दी है, अपने ओझा को। हाँ मालिक, बात तो कुछ ऐसी है। तो फिर जाओ और जाकर देखो कि ओझा क्या कर रहा है। ठीक है मालिक। और एक बात सुनो, उससे कहना कि इस मुसीबत से निपटना ही होगा। जाओ। अच्छा मालिक। आज देखते हैं कौन भूत भूत है, हैं? आइए मालिक। हाँ, जल्दी। गोपाल, जरा तैयार रहना। तैयार हूँ। और होशियारी के साथ। हाँ भाई भूत, बरगद वाले भूत, बहुत नाम सुना है तुम्हारा। जरा एक बार आके नीचे तो मिलो हमसे। अरे कोई भूत भूत नहीं है ऊपर। अगर कोई भूत होता तभी तो नीचे आता। अरे ये तो बरगद के पास पहुँच गई यार। अरे चुप कर यार, आगे आगे देख क्या होता है। अगर कोई भूत होता तभी तो नीचे आता। अरे धनी राम जी, फिर भी देख लेते हैं। ए भूत, अबे नीचे उतर। अरे बहुत डरपोक हो तुम तो, एक बार नीचे तो आओ, तुम्हें हम बताते हैं। अबे नीचे उतर। अरे कोई भूत, अच्छा पेड़ हिलाते हैं। क्या लगता है वो जाने भूत को जगा दिया? चल मुझे तो डर लग रहा है यार। अरे चुप कर यार, इसीलिए तो मैं तुझे ओझा के पास लेकर नहीं जाता हूँ यार, तू बड़ा डरपोक है। ए भूत, नीचे उतर। बहुत डरपोक हो तुम, हाँ? लगता है भूत सच में बरगद के ऊपर है। देख, वो पेड़ को हिला रहा है। अरे चुप कर यार, अभी देख भूत इनको कैसे मजा चखाता है। अरे डरा रहा है क्या? अरे ओ पेड़ हिलाता है। अरे ये कोई भूत भूत नहीं है, ये तो अपने गांव के मंगल और सूरज है। मंगल और सूरज। हाँ, नीचे आने दो। खिसक ले यहाँ से, लगता है कहीं उनको पता लग गया तो हमारी भी खैर नहीं। अरे तैयार, लाठी संभालो, लाठी। आई आई भाग रहे। अरे रघेसर, क्या हुआ रे, सवेरे सवेरे हंसी आ रही है? अरे यार परदेसी बात ही कुछ ऐसी है, वो मंगल और सूरज की माँ घर के बाहर बैठी रो रही है और वो दोनों पड़े करा रहे हैं। क्यों क्यों? वो कल शांता बहन गई थी ना बरगद के भूत से मिलने, तो ओझा ने मंगल और सूरज को 50-50 रुपए दिए थे और उनसे कहा था कि भूत बन के शांता बहन को डरा दें। लेकिन शांता बहन ने भी उनकी ऐसी पिटाई की, ऐसी खबर ली कि वो दोनों घर में पड़े करा रहे हैं। मतलब ओझा की पोल खुल गई, पर ओझा कहाँ है? दादा दी, हाँ? दबा, हाँ? ना दबा डालू, हाँ? ना ओझा, हाँ? ना ओझा की परछाई, बच, लपू तत्तल, जो बात है कितनी नहीं देखा उसको, हाँ? उसके गले में तो ताला पड़ा हुआ है, ताला पड़ा हुआ है। अरे वाह मजे आ गए। भाग गया ढोंगी कहीं का। हाँ भाग गया। अरे सुखिया कहाँ जा रही है, इधर तो आ। अरे भैया जा कहाँ रही हूँ, ओझा के घर दवाई लेने जा रही हूँ। कल रात भूत ने फिर बहू को दबा लिया।
अरे आओ सुखिया बहन बैठो। अरे भैया क्या बताऊं? अच्छा दादा मैं चला। अच्छा ठीक है आओ। अरे राम जी, पर सुखिया बहन कल रात तो शांता बहन ने भूत बरगद के भूतों की ऐसी खबर ली कि ओझा तो डरकर गांव से ही भाग गया। हाय। और चाहो तो तुम पूछ लो सूरज और मंगल की माँ से। हाय भैया तुम सच कह रहे हो, पर ओझा ने तो कल मुझसे 100 रुपए ठग लिया। उसने खूब ठगा हम गांव वालों को उसने। अब जब पोल खुल गई तो भाग गया गांव छोड़कर। अब तो बहन दवा के लिए शांता बहन के पास ही जा, उन्हीं की बात मान। तुम ठीक कहते हो भैया, मैं तो बल्कि बहन जी सही कहती थी। जाते जाते सूरज और मंगल का हाल भी पता करते चले जाना। अच्छा भैया। अच्छा सुखिया बहन। चल भाई परदेसी हम भी चले, शांता बहन को मुबारकबाद तो। चल भाई चल, चलते हम भी। नमस्ते, कैसे हो? आओ बैठ। मैं आज हम अकेले ही नहीं आए हैं, हमारे साथ गांव के और भी लोग आए हैं। अच्छा हाँ। नमस्ते, आओ आओ। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए बैठ बैठ। आओ बहन बैठ। शांता बहन सबसे पहले तो आज आप बधाई कबूल कीजिए। वो ओझा तो गांव छोड़कर ही भाग गया। उसी के साथ साथ अगर अंधविश्वास का अंधकार भी इस गांव से भाग जाए और साक्षरता का उजाला आ जाए, मैं तभी अपने आप को इस बधाई के योग्य मानूंगी। बहन आपने हमारा विश्वास जीत लिया है, गांव भर में चर्चा हो रही है कि शांता बहन ही बिल्कुल सही है। तो चलो अपना अपना वादा पूरा करो, मेरे हर काम में मुझे मदद करोगे ना? हम तैयार है जी, आप कह के तो देखिए। तो फिर आज सबसे पहले गांव के लोगों को बोलना है कि वो अपने अपने बच्चों को, चाहे लड़का हो या लड़की, बिना किसी भेदभाव के पाठशाला में पढ़ने लिखने के लिए भेजें। और पाठशाला के अध्यापक धनीराम के पास जाकर अपने अपने बच्चों का नाम दर्ज करवाएं। मैं करूंगा जी ये काम, हमारे बच्चे भी स्कूल पढ़ेंगे। अभी तक हमारी उपेक्षा के कारण स्कूल बंद था, अब स्कूल जरूर खुलेगा। हाँ और एक बात और, गाँव के लोग अंधविश्वास को भूल कर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जरूर जाएं और अपने अपने बच्चों को 6 घातक बीमारियों के टीके जरूर लगवाएं। और फिर छोटी मोटी बीमारियों का इलाज तो करवाना ही चाहिए। ये काम मैं करूंगी शांता बहन, आज आपकी ये बात गांव के घर घर में पहुंच जाएगी। एक हमारी भी विनती है बहन, क्या हम सब बड़े लोग नहीं पढ़ सकते? आपकी बातों से हमें भरोसा हो गया है कि साक्षरता का प्रकाश ही हमें सभी मुसीबतों से बचा सकता है। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं दीवानगढ़ी में जल्द ही प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोलूंगी, जहाँ पर जवान बूढ़े औरत मर्द सभी पढ़ सकेंगे। दरअसल ऐसे ही हमारे गांव में चेतना आएगी और तभी आप लोग ठाकुर फतेह सिंह और सेठ छगन लाल के शोषण से मुक्त हो सकोगे। मालिक गांव के इस कोने में एक हम ही अकेले रह गए हैं हुक्का गुड़गुड़ाने के लिए। गांव के उस तरफ तो जश्न मनाया जा रहा है। अबे चुप है फकीरा, अब तू क्या चाहता है कि मैं वहां जाकर कूदूं, नाचूं, जश्न मनाऊं? बस यही एक दिन रह गया था देखने को। पर मालिक ये जश्न भी तो हमारे गांव का ही है, किसी और गांव का थोड़ा ही है। और वैसे भी आप और अच्छा छोड़ो, आप नाराज हो जाओगे। आइए 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 गांव के रईस, हम तो सोच रहे थे कि आप जश्न मनाने गए होंगे। अरे काहे का जश्न जमींदार साहब, एक दुखिया की रक्त तो दुखिया ही जानता है, और फिर हम दोनों तो एक ही तीर से घायल हैं। छगनलाल जी, उस शांता नाम की बीमारी ने हम दोनों की जिंदगी को अशांत बना रखा है। ससुरा इस बीमारी का कोई तोड़ भी तो नजर नहीं आता,
तभी तो हम कभी कभी गुस्से में अपना मन महसूस कर रह जाते हैं। एक बात बताओ छगनलाल जी, आप उस शांता को पहचानने में देर कैसे कर गए? अरे हम उसे पहचानने में देर नहीं कर गए, हम तो उसे उसी दिन पहचान गए थे जिस दिन सुखिया हमारे यहाँ आई थी और शांता बीच में टपक पड़ी थी। अरे टपकी कहाँ थी, वो तो खंबे की तरह जम गई है। और तो और स्कूल, दवाखाना, गली, मकान हर जगह नजर आ जाती है। वैसे एक बात कहूँ मालिक, जब से गांव के बच्चे स्कूल जाने लगे हैं और गांव के लोग दवाखाने में जाकर अपना इलाज करवाने लगे, तब से गांव का माहौल ही बदल गया। ओझा के अंधविश्वास से मुक्ति दिलाकर शांता बहन ने नई चेतना जगा दी। मैं तो कहता हूँ तुम लोग भी नई चेतना जगा लो, भला इसी में है। अरे जमींदार साहब, शांता से तो हम टक्कर ले ही लेते, पर क्या है ना, घर बार भी तो देखना होता है ना। वो क्या है कि वो हमारी सेठानी है ना, उसने आजकल पढ़ाई लिखाई का बिजनेस शुरू कर दिया है। और जब से पढ़ाई लिखाई का बिजनेस शुरू किया है, अरे उसके तो तेवर ही बदल गए। और न जाने इस गांव में हमारे जैसे कितने ही मर्द हैं जो इन तेवरों को झेल रहे हैं। भाई हमने सोचा, हमने तो अपने घर में खूब चला ली, अब सेठानी की ही सही, इसी में हमारी भलाई है। क्यों फतेह सिंह जी? अरे भैया, तो फिर हम कभी पीछे रहे हैं कभी? हम भी तो आगे ही आगे हैं। पढ़ना लिखना सीख कर समझो सारी बात, 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 बिना समझ ही राजनम यूं ही बीता जात, बिना समझ ही राजनम यूं ही बीता जात, जब समझो तब ही भला जागो तभी प्रभात, जागो तभी प्रभात, जागो तभी प्रभात।